लेकिन मायावती जी हैं और जयललिता जी हैं वो आउट राइटली रिजेक्ट करती हैं। वो कहती नहीं, हमको महिला कमांडो चाहिए ही नहीं भैया, हमारे पास लेके ही मत आओ, हमको तो जो पुरुष कमांडो दस्ता है उनसे ही संतुष्ट है हम। ये क्यों है? ये सिर्फ हमारे देश की नहीं बात है, दुनिया में एक लिंग भेद जो है का फर्क है। कल भी मैं ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर इंडिया में थी, उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ और मैंने उनसे भी बात किया कि ये जो भेदभाव है, लिंग भेदभाव खासतौर से का, इसको ले मुझे लगता हम हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मार खा रहे हैं। और जब महिला ही नेता, चाहे आप मायावती जी की बात कर रहे हैं चाहे ललिता जी की बात करें, जब खुद एक महिला होने के बावजूद, एक महिला जो आपने कहा पूरी एक ट्रेनिंग एक पास होकर वहां तक पहुंचती है और उनको वो लेने से मना कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम इन दोनों महिला नेता ने कारण क्या दिया है। पर वो भी कारण दिया है वो जो हमारी लिंग भेद का जो है हमारा जो इस पुरुष की मानसिकता महिलाओं के लिए हमेशा है। दुख होता है कि महिला की भी मानसिकता महिला के लिए बदली नहीं है। अलका जी, आपको पता है कि सोनिया गांधी जी के पास भी एसपीजी सुरक्षा है और एनएसजी की सुरक्षा भी उनको दूसरे घेरे में मिलती है, उसमें कितनी महिलाएं हैं, कितनी महिला कमांडोज हैं? अलका जी हमारे साथ हैं आप? हाँ जी बिल्कुल मैं हूँ। बताइए मुझे। नहीं, क्या आपने प्रश्न क्या किया? मैंने प्रश्न ये किया कि सोनिया गांधी जी को जो एसपीजी सुरक्षा मिलती है और जो बाहरी घेरे में एनएसजी कमांडोज की जेड प्लस सुरक्षा होती है, उसमें कितनी महिला कमांडोज हैं? कितनी है पर है ये मैं यकीनन कह सकती हूँ, क्योंकि मैं भी जब सोनिया जी को मिलने के लिए जाती हूँ वहाँ पर महिलाएं सुरक्षा के उनके घेरे में बिल्कुल रहती है। एनएसजी कमांडोज नहीं है मैडम, आप अपनी जानकारी को बढ़ाइए। तो वो मना करेंगे कि मुझे ही लेना, क्योंकि एनएसजी अलका लांबा जी, एनएसजी कमांडोज पहली बार किसी महिला मुख्यमंत्री जयललिता और पूर्व मुख्यमंत्री जी मायावती जी को ऑफर की गई थी। सोनिया गांधी जी के सुरक्षा दस्ते में एक भी महिला नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की कमांडो शामिल नहीं है। अपनी जानकारी बढ़ाइए, मैं पूरी विनम्रता से आपसे ये कह रहा हूँ। प्रश्न ही गलत था, मैं एसपी जी की बात कर रही हूँ। अच्छा, और आपका प्रश्न ही गलत था कि कितनी महिलाएं हैं, जब आपको मालूम है कि एक भी महिला नहीं है। और पहली बार मैंने आप इसीलिए पूछा कि आपने अलका जी जो आपने अचानक से दावा किया ना, दरअसल राजनेताओं की इसी समझ पर तो कई बार रोना आता है महिलाओं की सुरक्षा लेने के लिए। जहां तक बात है वहीं तक रखिए, आप खुद इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं और बात हो रही है महिला जो है। अलका लांबा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप अपनी जानकारी बढ़ाइए और जब अगली बार समाचार प्लस पर आइएगा तो तथ्यों के साथ हम बातचीत करेंगे, तो शायद हमारी जनता को एक सकारात्मक बहस सुनने में अच्छा लगेगा और जनता तक एक पक्की इन्फॉर्मेशन भी पहुंच पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक एक रिपोर्ट हम देखना चाहते हैं। दुनिया भर में ऐसे ढेरों उदाहरण मौजूद हैं जहां बड़ी बड़ी महिला हस्तियां अपने सुरक्षा दस्ते में महिला कमांडोस को प्रेफर करती हैं, फिर देश में ये सौतेला रवैया क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। जयललिता और मायावती ने किस बिनाह पर महिला कमांडो की सर्विस से इनकार किया, फिलहाल ये तो वही बता सकती हैं। लेकिन अगर दुनिया की बात करें तो ज्यादातर महिला हस्तियां अपने सुरक्षा दस्ते में महिला कमांडो को रखना पसंद करती हैं। कारण ये कि कमांडो चाहे महिला हो या पुरुष, ट्रेनिंग सबकी एक जैसी ही होती है। दूसरी बात, कमांडो हर वक्त परछाई की तरह साथ रहते हैं। ऐसे में अगर महिला के साथ कोई महिला कमांडो रहती है तो निश्चित तौर पर वो सहज महसूस करती हैं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड हूं या अमेरिका की विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन, उनके सुरक्षा दस्ते में महिला कमांडो शामिल हैं जो हर वक्त उनकी सुरक्षा में मुस्तैद रहती हैं। वहीं दुनिया की बेहद ताकतवर महिलाओं में शुमार जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल भी अपने साथ महिला कमांडो को रखना पसंद करती हैं। तो म्यांमार की लोकतंत्र समर्थक और सांसद आंग सान सू की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी महिला कमांडो पर ही निर्भर है। अमेरिका की फर्स्ट विमन यानी राष्ट्रपति बराक ओबामा की हाई प्रोफाइल पत्नी मिशेल ओबामा की सुरक्षा दस्ते में भी महिलाएं शामिल हैं। मनोरंजन जगत की बात करें तो सेंसेशनल पॉप स्टार लेडी गागा भी अपने साथ फीमेल कमांडो रखती हैं।
लबोलुआब ये है कि दुनिया की तमाम ताकतवर महिलाओं को महिला कमांडोज पर भरोसा है, तो फिर वो कौन सी वजह है जिसके चलते मायावती और जयललिता जैसी भारतीय महिलाओं को महिला कमांडो पर एतबार नहीं हो पा रहा है? क्या इनकी जिंदगी को दुनिया की उन तमाम हस्तियों से ज्यादा खतरा है? आलोक साहिल, समाचार प्लस। जी, तो देखा आपने पूरी दुनिया में जो महिला राजनेत्रियां हैं या जो महिला हस्तियां हैं वो हमेशा महिला कमांडोज को ही प्रेफर करती हैं अपनी सुरक्षा के लिए। रामाश्रय कुशवाहा साहब जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुसुम राय साहिबा भी थोड़ा बहुत लाइन पर फिलहाल फ्रीक्वेंसी हमारी इनसे मैच होती नजर आ रही है। अमिताभ जी, एक बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय जो महिलाएं हैं जो अलग अलग ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंची हुई हैं वो पूरी दुनिया की महिलाओं से अलग हैं क्या? क्या अपने आप को कुछ विशेष दिखाना चाहती हैं क्या, या कुछ क्या या कुछ इन महिला एनएसजी गार्ड्स को लेकर उनके मन में रिजर्वेशंस हैं कि ये सुरक्षा नहीं कर पाएंगे? इसमें मुझे तीन बिंदु समझ आते हैं। एक हाँ। वो मानसिकता जो मानसिकता भारतीय सेना से चली आगे कि भाई ग्राउंड पर महिला नहीं जाएगी, महिला डॉक्टर होगी आर्मी में, महिला पुजारी हो जाएगी, टीचर हो जाएगी, दर्जी हो जाएगी, बाल काटने का काम कर लेगी, रोटी बनाने का काम कर लेगी, सेना में तो रहेगी लेकिन ग्राउंड में नहीं जाएगी। एक जो भारतीय सेना ने जो मानस बनाया ना वो भी इस देश की मानसिकता में आगे गया। लेकिन बीएसएफ की महिलाएं बॉर्डर पर लड़ती हैं? नहीं, मैं भारतीय सेना की बात कर रहा हूँ। भारतीय सेना ने महिला को ग्राउंड पर जाने की इजाजत इसलिए नहीं दी। रानी लक्ष्मीबाई भी लड़ी, बहुत महिलाओं ने योगदान, अवंती बाई और सभी। कुशवाहा जी, वो इतिहास तो पुराना है, रजिया सुल्ताना सम्राट पहली अमिताभ जी, लेकिन हिंदुस्तान की महिलाएं हैं। मैं दूसरी महाराज, सेना हिंदुस्तान की है उसी की बात कर रहा हूँ ना कुशवाहा जी, पाकिस्तान की सेना की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ महाराज। हिंदुस्तान की सेना ने अभी तक उसको इजाजत नहीं दी ग्राउंड में जाने की। मैंने उदाहरण गिनाए तो आप बाल काटने वाली हो जाइए, मेकअप करने वाली हो जाइए, टीचर हो जाइए, रसोईया हो जाइए, इंजीनियर हो जाइए, डॉक्टर हो जाइए आर्मी में, लेकिन युद्ध में आप नहीं, फ्रंट पर नहीं जाएंगी। ये भेदभाव ना किया ना आपने। दूसरी बात, एक जो मानसिकता है यहां, जब आप सिक्योरिटी लेके चलते हैं तो आपको एक उत्तर प्रदेश के शब्द भौकाल, आपको खतरा कम भौकाल की चिंता ज्यादा। मैं एक देश के बड़े राजनेता को जानता हूं जो नाराज हो गए, वो उनको तिब्बत वाले फोर्स के सिक्योरिटी गार्ड्स दे दिए गए तो उन्होंने गृहमंत्री को कहा कि काले वाले दो भाई, इनमें वो आनंद नहीं आता। अब बताइए सिक्योरिटी गार्ड भी आनंद का विषय हो जाए इस देश में, वो केंद्रीय मंत्री थे उस वक्त, तो उनका क्या करिएगा। और तीसरी बात मैं कहूंगा, नजीर है इस देश में, गद्दाफी जैसा व्यक्ति, उससे ज्यादा खतरा तो किसी को नहीं ना। गद्दाफी तो पूरा जीवन खतरे में रहा उसका, क्योंकि उनके कुछ क्रियाकलाप भी ऐसे थे दुनिया के लिए, वो खुद खतरा हो जाते थे यत्र तत्र सर्वत्र। वो पूरे जीवन महिला सुरक्षा दस्ते के ही बीच रहा, उदाहरण है। लेकिन हम उस उदाहरण का अनुपालन करने को तैयार नहीं। एक तो हमारी मानसिकता, हमको लगता है सिक्योरिटी का मतलब लंबे चौड़े 6-7-8 फुट के पुरुष होना चाहिए। अब उसमें कौन सा ईगो सेटिस्फाइड होता है भाई, ये पता नहीं। जी कुशवाहा जी, जी मैं अमिताभ जी को बड़ा मोहब्बत करता हूँ। जी जी भाई साहब, और मैं एक बात बस कह करके अपनी बात खत्म करूंगा। समाजवादी पार्टी के किसी भी वीवीआईपी को यदि महिला कमांडो या महिला सिक्योरिटी देंगे तो सहर्ष हम लोग स्वीकार करेंगे। और जैसा हमारे मुख्यमंत्री ने भी, अखिलेश जी ने भी अपने साथ शायद सुना है आप ही के द्वारा कि वो महिला कमांडो रखना चाहते हैं। और होना भी चाहिए, पुरुष के साथ महिलाओं को सिक्योरिटी होना इसलिए चाहिए कि ये आवश्यक नहीं है कि अटैक करने वाले पुरुष ही हों, कुछ महिलाएं भी होती हैं, उनको पकड़ना होता है, कुछ करना होता है। और महिला की गति को महिला ही समझ सकती है, पुरुष इतनी जल्दी नहीं समझ सकता है। इसलिए मैं तो ये सुझाव भी दूंगा और इसको पसंद करूंगा कि पुरुष की भी सिक्योरिटी में महिला। बिल्कुल ठीक बात है, राजीव गांधी का उदाहरण हमारे सामने है। राजीव गांधी का उदाहरण हमारे सामने है। जी, अगर उस वक्त उनकी सिक्योरिटी रिंग में महिला कमांडोज हुई होती तो शायद तस्वीर दूसरी होती। निश्चित रूप से अमिताभ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ अपने को संबद्ध करता हूँ।
क्योंकि तब वो पुरुष के लिए संभव नहीं होता कि महिला को बहुत रूथलेसली आप सर्च कर पाए या उसको अलग धक्का दे पाए। महिला को रोकने में भी पुरुष थोड़ा लिहाज करता है। सही बात जी। सही और बात। वो बीवीआईपी तक पहुंच जाता है। हम लोग तो 24 घंटे इन्हीं माहौल में रहते हैं, तो कोई महिला यदि आती है तो पुरुष थोड़ा उसको धक्का मारने में डर लगता है उसको, लेकिन महिला होगी तो धक्का मार के बाहर कर दी जी। कुसुम राय जी, आपके आखिरी रिएक्शन। देखिए, मैंने आपको बताया कि मैं तो मिनिस्टर थी, कैबिनेट पीडब्ल्यूडी बनने का अवसर मिला था और मुझे दो पीएसओ मिली थी, मैंने दोनों महिला रखी थी। मैं तो इस पक्ष में हूं कि अगर महिला हमारी कमांडो ट्रेनिंग करके आई हैं तो मैं जयललिता जी को और मायावती जी को आदेश तो नहीं दे सकती हूं, लेकिन सलाह दे सकती हूं कि महिलाएं भी सुरक्षा अच्छे से कर सकती हैं। और एक महिला को जितनी महिला कमांडो सपोर्ट कर सकती है, महिलाओं के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बाथरूम जाना है, कोई बहुत सारी चीजें लेनी है जो हम पुरुष कमांडो से नहीं कर सकते हैं, जो हमको महिला कमांडो से सपोर्ट मिल सकता है। तो चूंकि मेरे सामने तो अभी ऐसा अवसर नहीं आया है, लेकिन एक बार आया था, वो मैंने करके दिखाया है कि मेरे पीएसओ दो महिला ही थी और मैं इस पक्ष में हूं कि महिलाओं को कमांडो में रखा जाना चाहिए। चर्चा का वक्त खत्म हो गया है। अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी। देखिए, मैं कहूंगा कि ये इस समय जिस देश और जिस वैश्विक परिस्थिति में हम लोग रह रहे हैं उसमें ये भेदभाव अशोभनीय है। पुरुष करे तो भी अशोभनीय और महिला करे तो ज्यादा दुखद है। अशोभनीय के साथ साथ दुखद भी है, क्योंकि उनको अगर ये प्रमोशन मायावती और जयललिता के पार्ट से नहीं मिलेगा। और अभी मैं बताऊं, अभी हिंदुस्तान की मानसिकता बड़ी विचित्र है। पुरुष के साथ महिला सिक्योरिटी लगा दीजिए तो नाना प्रकार की दूसरी चर्चाएं। इसलिए उनकी जो जमीनी ट्रेनिंग है, जो बच्चियां पास करके आई हैं उस ट्रेनिंग को, उनको सबसे बेहतर होता वो वहां अपना कौशल दिखाती। एनएससी के जो दो महिला प्रोटेक्टरी हैं इस वक्त इस देश में, तो शायद ज्यादा बेहतर होता, उनका भी मान बढ़ता, इन नेताओं का भी मान बढ़ता जी। लेकिन इसके लिए हमको अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। अगर सिक्योरिटी का मतलब भौकाल है तब तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि 7 फुट का आदमी हो और जिसकी शक्ल सूरत से भी हृष्ट पुष्ट लगे। नहीं, लेकिन सिक्योरिटी का मतलब भोकाल तो है, लेकिन ग्लैमर भी तो है। हाँ, ग्लैमर और भोकाल, देखिए ग्लैमर में मैं कहूंगा महिला से ही आएगा अतुल जी। नहीं, लेकिन ग्लैमर मायावती जी को महिला से नहीं आएगा। भाई साहब, तो आप बताइए, मायावती जी को नहीं आएगा। हाँ, जयललिता जी को नहीं आएगा। हाँ, मुश्किल तो ये अखिलेश जी को जरूर आएगा भाई साहब, दूसरे को पुरुष को आ जाएगा। ऐसा हो सकता है कि इस देश के तमाम पुरुष राजनेता जो सिक्योरिटी कवर के अधीन है वो ये हमारा चैनल पे आज खबर देखकर ये मांग उठाएं महिलाओं के प्रति अपनी वो सम्मान जताते हुए कि वी वांट महिला कमांडो। हाँ हाँ, ये नारा लग सकता है इस देश में। कुशवाहा जी कह चुके हैं कि अगर हमें मिलेगा तो मानेंगे। मैंने कहा कि समाजवादी की वीवीआईपी के साथ में महिलाएं कुछ जरूर लगाई। चलिए, अच्छी बात है। कुसुम राय जी से मैं एक इस चर्चा से हटके एक बात जरूर पूछूंगा अपने दर्शकों के लिए। कुसुम राय जी, नवरात्र चल रहे हैं, कल्याण सिंह जी की वापसी की कोई तारीख तय हुई भाजपा में? नहीं, आप ये सवाल हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से पूछते और कल्याण सिंह से पूछते तो ज्यादा अच्छा था। आप, जब मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, तो ये सवाल तो हमारे राष्ट्रीय नेताओं से आप पूछें और खुद कल्याण सिंह से पूछें तो अच्छा नहीं, है। नहीं मैडम, कई बार क्या होता है ना कि ऊपर भारतीय जनता पार्टी की मैडम, कई बार ऊपर से जो जवाब मिलता है, कई बार अमिताभ जी, कई बार ऊपर से जो जवाब मिलता है ना उसके 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 उलट जवाब वो नीचे के कार्यकर्ता दे देते हैं। कई बार डीएम साहब जो तथ्य छुपाते हैं वो चपरासी दे देता है कि साहब फलाने मिलके गए थे। बेहतर दे सकती हैं। नहीं, कल्याण सिंह जी हमारे नेता रहे हैं, लेकिन कोई उनका पर्सनल एडवाइजर थोड़ी ना मैं रही हूं कि मैं आपको बताऊं कि ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो महिला कमांडोज हर किसी को लेना चाहिए। महिलाओं के साथ ये दोयम दर्जे का व्यवहार ये नहीं होना चाहिए। समाचार प्लस पर कुसुम राय जी, बहुत शुक्रिया आपका पहली बार ज्वाइन करने के लिए। रामाश्र कुशवाहा साहब, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी, वयोवृद्ध नेता नारायण दत्त तिवारी जी की बात होगी, जो आज भी खुद को वयोवृद्ध मानने को तैयार नहीं है। आज नारायण दत्त तिवारी जी ने शानदार शॉट मारे, कैसी बल्लेबाजी रही उनकी, अलग अलग मुद्दों पर वो आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। बैजू
Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Puss Puss, the fun and refreshing mouth freshener. समाचार प्लस के सभी दर्शकों को आदिशक्ति के आगमन की हार्दिक